शुरू हुई तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग, क्या जल्द दया बहन भी मारेंगी धमाकेदार एंट्री। जी हाँ, सब टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज सामने आई है, और वो ये कि लंबे वक्त के बाद शो की स्टार कास्ट शूट के लिए बिल्कुल ही रेडी हो गई है और शो के नए एपिसोड जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, शो के डायरेक्टर मालव राजता ने फैंस को खुद इस बात की जानकारी अपने लेटेस्ट पोस्ट से दी है। आप भी देखिए जरा सेट से ली गई इस तस्वीर को, जिसे शेयर करने के साथ ही मालव ने लिखा है, रोल रोलिंग एक्शन। आखिरकार 115 दिनों के बाद शूटिंग शुरू हुई, काम शुरू करके अच्छा लग रहा है, एक बार फिर से हंसने के लिए तैयार रहिए। वहीं टप्पू सेना तो शूट पर पहुंच भी चुकी है। जी हां, स्पॉट बॉय की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक शो के स्टार किड यानी टप्पू, सोनू, गोगी, गोली और पिंकू फिल्म सिटी में शूटिंग शुरू कर चुके हैं, और इसी के साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या शो के नए एपिसोड्स के साथ दया बहन यानी कि दिशा वकानी भी री एंट्री मारेंगी। जी हाँ, जैसे कि शो के फैंस ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद दिशा वकानी लंबे वक्त से इस शो से ब्रेक पर हैं। शो में कई बार उनकी वापसी की खबरें सामने आई, लेकिन सारी खबरें अफवाह बनकर ही रह गईं। हालांकि दिशा का बच्चा भी काफी छोटा है और ऊपर से जो कोरोना को लेकर हालात हैं, ऐसे में दिशा का शो को ज्वाइन करना मुश्किल सा ही लग रहा है। ऐसे में देखना ये है कि इस बार भी शो दया बहन की मस्ती के बिना आगे बढ़ेगा या फिर नए एपिसोड के साथ होगी दिशा की धमाकेदार एंट्री। हालांकि टप्पू सेना के अलावा शो की बड़ी स्टार कास्ट को शो का हिस्सा भी नहीं बनाया गया है। दरअसल मेकर्स इस बात को पहले सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि शूटिंग के दौरान प्रिकॉशंस और सुरक्षा का कैसे ध्यान रखा जाए, इसलिए डायरेक्टर ने सेट पर जाकर पहले शूट को लेकर छोटी सी एक्सरसाइज भी की, ताकि इस दौरान होने वाली परेशानियां सामने आ सके। लेकिन ये शो के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही शो के नए एपिसोड की शूटिंग शुरू होने वाली है, तो तैयार रहिए एक बार फिर से हंसी के ठहाकों के लिए, क्योंकि गोकुल धाम में रहने वाले ये प्यारे लोग आपको हंसाने के लिए जल्द ही नए और फ्रेश एपिसोड्स के साथ आप लोगों के सामने होंगे।